किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन। नमस्कार, मैं हूँ सुमेश्ता बिश्नोई और आप देख रही हैं ट्रिपल एस न्यूज। बीकानेर में संभाग स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। कार्यशाला का शुभारंभ संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया ने किया। संभागीय आयुक्त द्वारा नाबार्ड द्वारा किए जा रहे कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि किसान उत्पादन संगठन किसानों को उनके उत्पादों के सही मूल्य दिलाने का सबसे उचित माध्यम है, जिससे किसानों की आय को एकजुटता के साथ बढ़ाया जा सकता है। कार्यशाला में बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू तथा सीकर के किसान उत्पादन संगठन के बोर्ड सदस्यों द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय MCA के नियमानुसार कार्य करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के लिए राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय से श्रीमती सुमन कुमारी द्वारा किसान उत्पादन संगठन की व्यापारिक गतिविधियों को प्रारंभ से लेकर किसानों की आय बढ़ाने तथा बैंकों के साथ जुड़कर प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की विधि को विस्तार से बताया गया। नाबार्ड जिला विकास प्रबंधक बीकानेर कार्यशाला के दौरान किसान उत्पादन संगठन की अवधारणा तथा किसान उत्पाद संगठनों को जमीनी स्तर से किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इफको, क्रिभको तथा राजुवास के साथ किसानों की आय बढ़ाने के उपायों को बताते हुए कार्यशाला का संचालन करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया।